देश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बुधवार को कांग्रेसियों ने तहसील सदर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार सदर को प्रेषित किया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष शर्मिला पासवान ने बताया कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किसान बहुत परेशान है और आम जनता पर इस कोरोना महामारी में बोझ बढ़ा है, जिससे पूरा देश और गरीब जनता के ऊपर बोझ बढ़ा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर पूर्व विधायक हरिद्वार पांडे, दिनेश चंद श्रीवास्तव, विनोद जोसेफ, राजीव पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष शर्मिला पासवान ने कहा, सस्ती खरीद महंगी बिक्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सस्ती खरीद महंगी बिक्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल पेट्रोल का दाम वापस लो, वापस लो। निर्मला पासवान, जिलाध्यक्ष गोरखपुर। आज का ज्ञापन है, लगातार 20 दिन बढ़ता चला जा रहा पेट्रोल और डीजल का दाम। जो कच्चे तेल का दाम काफ़ी सस्ते होने के बाद भी जो डीजल पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है। आज किसान जो है अपने खेत में खेती करने के लिए परेशान है। डीजल और पेट्रोल का विरोध करते हैं हम। यदि ये डीजल और पेट्रोल का दाम वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी और